हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द चैनल। तो शाम हो चुकी है और हम आज आए हैं एक रेस्टोरेंट में। इट्स नव गोमन तक, ये थाने वेस्ट में पड़ता है। तो आपने तो मतलब मालवनी क्यूजीन वगैरह मुंबई में तो काफ़ी जगह पे मिलता है, बट गोवन क्यूजीन इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट न्यू। इट्स नॉट न्यू, बट देन जो प्लेसेस है, रेस्टोरेंट्स है गोवन क्यूजीन की, वो काफ़ी कम है यहाँ पे। तो हम लोग आज यहाँ पे गोवन क्यूजीन ट्राई करने के लिए आए हैं। ज़्यादा दूर नहीं हमारे घर से, एक 5 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम अंदर जाएंगे, फिर आपको बताएंगे यहाँ पे क्या क्या मिलता है, मतलब स्वाद कैसे खाने का। मैं अभी आपको इसका बाहर से कैसे दिखता है ये बताता हूँ। अगर आप बाहर से देखोगे तो इसका जो एम्बियंस है काफ़ी रस्टिक है, मतलब पुराने जैसे घर होते हैं, जो दीवारें होती हैं, आप दरवाज़ा भी अगर देखोगे एकदम ऑथेंटिक लुक्स इन्होंने देने की कोशिश की है। तो अभी हम थोड़ी देर में अंदर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी टुडे इज़ फ्राइडे, फ्राइडे इवनिंग, वीकेंड है, तो काफ़ी भीड़ है, वेटिंग चल रही है। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है हमारा आके यहाँ पर, और नंबर दिया है, तो जैसे ही नंबर हमारा आता है हम अंदर जाएंगे। तो फिर मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस, आखिर में हमारा नंबर आ चुका है, हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत बड़ा मेन्यू है इनका, बहुत सारे ऑप्शन है आपको, मतलब आपको जो खाना पसंद है फिश में। यहाँ पे इनका वेज मेन्यू भी है, क्योंकि ये जो ओनर है इस रेस्टोरेंट के, द लेडी शी इज़ अ वेज, शी इज़ अ वेजिटेरियन, तो उनका ख्याल रखने के लिए, वेजिटेरियन लोगों का ख्याल रखने के लिए इन्होंने वेज मेन्यू भी अच्छा खासा रखा है। गाइस, अभी हमने इनका मेन्यू चेक किया, मेन्यू काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी सारे डिशेस है, तो थोड़ा कंफ्यूजन था। इट टुक अस गुड 10 मिनट्स टू चूज़ कि हमको क्या खाना है। तो मैंने अभी बांगड़ा थाली मंगाया, बांगड़ा इज बेसिकली मैकरल, और मेरी जो बेटी है उसने प्रॉन्स थाली मंगाया, प्रॉन्स यू नो व्हाट इट इज, और हमने एक पॉम्फ्रेट फ्राई मंगाया, और इसके साथ यहाँ पर इसका फेमस है यहाँ का भरलेले बोबिल, मतलब बॉम्बे टक जो रहता है फिश, उसको स्टफ करते हैं। तो अभी हमने ये सब मंगाया और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, और मैं आपको बताता हूँ। गाइस, दिस इज़ अ पॉम्फ्रेट, हम लोगों ने अलग से पॉम्फ्रेट मंगाया, एंड माय वाइफ इज़ अ वेजिटेरियन, सो दिस इज़ अ पनीर थाली। तो वेज में आई कैन नॉट से मोर अबाउट वेज, अच्छा ही रहेगा, बट वी आर वेटिंग फॉर द नॉनवेज थाली। तो हम लोग राह देख रहे हैं नॉनवेज थाली की, जैसी फिश थाली आती है मैं आपको बताता हूँ उसका स्वाद कैसा है। गाइस, दिस इज़ द स्टफ्ड बॉम्बे डक बोंबिल, ये इनका स्पेशलिटी है। गाइस, ये आ चुकी है हमारी भांगड़ा थाली, तो दिस इज बड़े खोपड़ी बड़े बोलते हैं इसको, यूजुअली ये नॉनवेज के साथ काफ़ी अच्छा जाता है, काफ़ी टेस्टी रहता है। दिस इज़ भांगड़ा मैकरल, दिस इज़ अ फिश करी, दिस इज़ जावला, जावला इज़ लाइक छोटे प्रॉन्स होते हैं, बेबी प्रॉन्स, जिसको फ्राई किया, जिसको ड्राई किया जाता है, एंड दिस इज़ सोल कड़ी, एंड प्याज एंड नींबू, एंड दिस इज़ अ प्रॉन्स थाली, प्रॉन्स की ग्रेवी है, दिस इज अगेन फिश करी, चावला, सोलगड़ी, चपाती एंड चटनी एंड यस। राइस अभी हम लोग खाते हैं और फिर मैं बताता हूँ इसका स्वाद कैसा था। आई एम क्वाइट चूजी एज़ फार एज़ फिश इज़ कंसर्न, क्योंकि मैं खुद कोली हूँ, तो फिश हम लोग यूजली बाहर नहीं खाते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर फिश में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा हमको फट कर पता चलता है, दैट समथिंग विच इज़ इनबिल्ट, मतलब कोली लोगों में इनबिल्ट रहता है। तो दोस्तों, खाना हो चुका है, रियली गुड, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, जैसे मैंने कहा आई एम क्वाइट चूजी एज़ फार एज़ फिश इज़ कंसर्न, क्योंकि मैं खुद कोली हूँ, हम लोग यूजली फिश बाहर नहीं खाते, बट फिश वॉज रियली गुड, पॉम्फ्रेट वॉज गुड, दी बोंबिल जो पोमेटक थे स्टफ वो भी अच्छा था, और बांगड़ा भी अच्छा था, बस बांगड़ा थोड़ा ज़्यादा फ्राई किया था उन्होंने, बिकॉज यूजली लोगों को ना फिश है ना थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी अच्छा लगता है, बट आई वॉन्ट दी, मुझे ना थोड़ा सॉफ्ट फिश अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा फ्राई किया अच्छा नहीं लगता है।
तो चलो अभी यहाँ से देखते हैं हमारा बिल कितना हो गया, मैं आपको बताता हूँ बिल कितना हुआ और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस खाना हो चुका है, जैसे मैंने कहा खाना बहुत अच्छा था, द टेस्ट वाज रियली गुड। बिल हुआ है 2,352 रुपीज़ विच इज़ अ गुड इनफ। इसमें हमने दो बियर भी मंगाया था, ये बताना मत किसको। तो चलो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोज और बनाऊँ अबाउट द रिव्यूज ऑफ द रेस्टोरेंट विच आर अराउंड थाने एंड मुंबई। तो फिर इसी के साथ Peace, goodbye.